बीएचयू में जंतु विज्ञान की छात्राओं पर अश्लील कमेंट करने के आरोप में निलंबित प्रोफेसर को बर्खास्त करने की मांग करते हुए छात्राएं शनिवार शाम 6 बजे से सिंह द्वार पर धरने पर बैठ गईं। और इतना ही नहीं, नारेबाजी करते हुए छात्राओं ने विश्वविद्यालय प्रशासन पर प्रोफेसर को बचाने का आरोप लगाया है। साथ ही चीफ प्रॉक्टर ने छात्राओं को मनाने का प्रयास किया, लेकिन देर रात तक कुलपति को बुलाने पर अड़ी रही। और इसके बाद विद्यालय प्रशासन का कहना है कि छात्राओं की शिकायत के चलते प्रोफेसर को तुरंत निलंबित कर दिया। जांच कराई गई थी, जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्यकारिणी परिषद ने भी उन पर मेजर पेनल्टी लगाई है। साथ ही उनकी सजा माफ नहीं हुई है। और इतना ही नहीं, उन्हें सभी प्रकार के अधिकारियों से डिबार कर दिया गया है। साथ ही प्रशासन आगे की कार्रवाई कर रहा है। इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी जुनैद जुड़े हुए हैं। जुनैद, एक बार फिर से बीएचयू विवादों में घिरता नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो बीएचयू कैंपस की जो अंदर की प्रशासन की व्यवस्था है वो काफी बेकार और एकदम कोई भी तैयारी नहीं है। जो कि जिस तरीके से बीएचयू में पिछले दिनों भी काफी विवाद और सुर्खियों में रहा है और एक बच्चे की जान भी जा चुकी है, उसके बाद भी प्रशासन अपनी आंखें नहीं खोल रहा है और लगातार प्रशासन की इसमें लापरवाही दिखाई दे रही है। जुनैद, जब भी कोई ऐसा मामला बीएचयू से निकलकर सामने आता है तो बीएचयू प्रशासन की एक बड़ी लापरवाही देखने को मिलती है। क्या किसी तरीके की कोई कार्रवाई होने की बात निकलकर सामने आ रही है? बिल्कुल, बात की जाए कार्रवाई की तो कार्रवाई की लगातार छात्राएं अपनी जो छात्र छात्रा छात्र छात्राएं वो अपनी मांगे लेकर रोड तक आ चुके हैं कि बाहर के लोगों को नहीं आना चाहिए कैंपस के अंदर। उसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन अपना आंख और कान बंद करके बैठी हुई है, कोई भी उसमें कार्रवाई नहीं की जा रही है, बस सिर्फ आश्वासन। लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं छात्र छात्राएं, अश्लील कमेंट को लेकर जो छात्रा ने आरोप लगाया उसको लेकर धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। अगर किसी तरह का कोई आश्वासन बीएचयू की तरफ से नहीं मिलता है तो क्या होगा अगला कदम? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि छात्राएं अब अगला कदम यही होगा कि छात्राएं धरना लगातार बैठी हुई हैं और बैठे रहेंगे, क्योंकि अगर उनकी मांगे नहीं सुनी जाएगी तो वो लगातार आगे भी यही कदम उठाकर बैठे रहेंगे, धरना प्रदर्शन देते रहेंगे जब तक उनकी सुनवाई नहीं की जाएगी। चलिए, धरना प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। बीएचयू में एक बार फिर से छात्रा को लेकर अश्लील कमेंट करने का ये पूरा मामला है और इसी बात को लेकर जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक धरना प्रदर्शन छात्र छात्राओं का जारी रहेगा।